भारत के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है जो भारत के एक राज्य की संस्कृति से संबंध रखता है, जो कि है जापी, गमोसा और जोराई। ये असम राज्य से संबंध रखता है और इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। इन सभी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। ये विषय चर्चा में इसलिए है कि भारत में अभी कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से असम में भी चुनाव हो रहे हैं, और असम में बहुत सारी राजनीतिक रैलियां निकाली जा रही हैं, जिनमें आए गए राजनेताओं को इन सभी से सम्मानित किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। इसमें आए हुए राजनेताओं को जापी गमोसा देकर और जोराई देकर सम्मान दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि इसका असम राज्य में कितना महत्व है, और इसके अलावा ये भी पता चलता है कि ये सारी चीज़ें असमिया पहचान और संस्कृति के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गमोसा के बारे में। गमोसा, जिसको हम आम भाषा में गमछा भी बोल सकते हैं, ये असम की अस्मिता और संस्कृति की पहचान है, और ये मुख्यतः सफ़ेद और लाल रंग से बना हुआ होता है। इसका बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का होता है और लाल धारियों से इस पर काम किया हुआ होता है। इसका जो उपयोग है वो आम जीवन में भी होता है, मसलन साफ इसका उपयोग शरीर को ढकने से लेके शरीर को साफ करने पहुंचने में किया जाता है, और जो भी शादी समारोह वगैरह होते हैं उसमें आए गए मेहमानों का स्वागत सत्कार करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। आम और खास दोनों ही समारोह में इसका उपयोगिता होती है। इसके अलावा इसका राजनीतिक महत्व भी है, जैसे कि राजनीतिक रैलियों में भी इसको देखा जाता है, और इसके अलावा जब जब भी असम में कभी भी कोई विरोध प्रदर्शन हुए हैं उनमें भी इसको असम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। गमोसा का इस्तेमाल समय समय पर राजनीतिक संगठनों के द्वारा या अन्य संगठनों, गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन में असम के प्रतीक के रूप में किया जाता रहा है। इसका सबसे मान्य उपयोग, जो सबसे पहला एविडेंस मिलता है, वो 1916 और 1917 के दौरान का मिलता है। उस समय कुछ संगठनों ने इसका इस्तेमाल किया था, जैसे कि असोम चतरा सम्मेलन जो था, जो असम का पहला छात्र संगठन था, उसके अलावा असोम साहित्यिक सभा जो एक साहित्यिक संगठन था, ये दोनों ही गैर राजनीतिक संगठन थे, और इन्होंने इस गमोसा का इस्तेमाल किया था असम के प्रतीक के रूप में। इसके अलावा 1980 के दशक के अंदर असम में विरोध प्रदर्शन हुआ था, और विरोध प्रदर्शन हुआ था गैर असम के लोगों के लिए, विदेशी लोगों के लिए, मुख्यतः ये बांग्लादेशियों के खिलाफ हुआ था, और उसमें भी विजय पताका के रूप में गमोसा का इस्तेमाल किया गया था। तो गमोसा का इस्तेमाल घर में भी होता है, समारोह में भी होता है, राजनीतिक संगठनों और चुनावों के समय में भी होता है, और विरोध प्रदर्शन में भी होता है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कितना महत्व है असम की संस्कृति के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जापी क्या होती है। ये एक टोपी होती है, देखने से भी पता चलता है। खास बात इसमें क्या है, ये शंकु आकार की होती है और इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, साइज इसका बड़ा होता है। ये जो है बांस से बनी हुई होती है, और सूखे तोको वहाँ ताड़ के जो वृक्ष है उसके पत्तियों और उसके उन सब के इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जो असम के ऊपरी असम के वनों में मिलते हैं, जो कि वर्षा वाले वन होते हैं, वहाँ ये पेड़ मिलते हैं। इसके इस्तेमाल से इसको बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल भी अक्सर मेहमानों को प्रसन्न करने के लिए और उनको उनके सामने सम्मान व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैरायटी इसमें बहुत सारी होती है, जैसे आम से लेके खास तक, तो इसका इस्तेमाल आम लोग भी करते हैं। ग्रामीण असम की अगर बात करें तो ये टोपी पहने हुए आपको किसान खेतों में काम करते हुए नज़र आ जाएंगे। वो धूप से बचने के लिए, धूल मिट्टी से बचने के लिए खेतों में लगातार सुबह से शाम काम करने के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। बारिश वगैरह से भी इससे बचाव हो जाता है उनका। और इसके अलावा ये रंग बिरंगे और विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन में मिलती हैं, और जब घर में मेहमान आते हैं या किसी भी सार्वजनिक सम्मेलन के अंदर मेहमान आते हैं तो उनको भी ये टोपी देकर जो है सम्मानित किया जाता है। तो ये भी असम की संस्कृति का प्रमुख प्रतीक है। इसका जो आज जो है असम में जापियों का बड़ा हिस्सा जहाँ बनता है वो है नलबाड़ी ज़िला।
नलबाड़ी ज़िले के कारीगर जो है जापी बनाने के लिए काफ़ी फेमस माने जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे जोराई के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम जोराई, जो कि एक धातु से बनी हुई घंटी होती है, असम के हर घर में ये पाई जाती है और हर घर में इसका उपयोग भी होता है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। मिश्र धातु से बनी होती है, दो धातुओं को सम्मिलित करके बनाया जाता है और तांबा और टीन इसमें मिक्स करके इसको बनाया जाता है। पूजा प्रार्थना करने में इसका उपयोग किया जाता है और असम के अंदर जो ये घंटी का धातु का उद्योग है वो बांस शिल्प के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जोराई के जो कारीगर होते हैं उन कारीगरों को कहार या ओरजा कहा जाता है और असम के जोहरियों का बड़ा हिस्सा बजाली ज़िले के सरथेबारी में देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो हमने बात कर ली है गमोसा के बारे में, जापी के बारे में और जोराई के बारे में। मुझे नहीं लगता कि आप इन चीज़ों को अब भूल पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप जवाब इसका दे पाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है जोराई से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, जोराई घंटी धातु तांबे और टीन का एक मिश्र धातु है। कथन दो, जोराई उद्योग के कारीगरों को कहार या ओरजा कहा जाता है। उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी एक और दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 से संबंधित था और आपको बताना था कि उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है। सत्य कथन केवल दो है, दूसरा यानी कि पहला कथन गलत है। 2021 की सूची में भारत को जो है 139th रैंक प्राप्त हुई है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।